आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के बारे में, जिसे शॉर्ट में हॉस भी कहा जाता है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का एक ऐसा प्रशिक्षण स्कूल है जहां भारतीय सेना के जवानों को किसी भी ऊंचाई वाले बैटलफील्ड पर जाने से पूर्व स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। स्पेशली सियाचिन ग्लेशियर जैसी वर्ल्ड की सबसे ऊंची बैटलफील्ड पर जो भी जवान तैनात होते हैं उनकी तैनाती से पूर्व यहाँ पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय सैनिकों के अलावा अन्य कई देशों के सैनिक भी यहाँ पर ट्रेनिंग ले चुके हैं, इनमें से जर्मनी, यूके और अमेरिका भी शामिल है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलबर्ग में स्थित है। ट्रेनिंग एरिया स्कूल के बेस कैंप से करीब 4 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ जवानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती के लिए तैयार किया जाता है। ट्रेनिंग में बर्फीली पहाड़ियों की चढ़ाई और सर्वाइवल ट्रेनिंग के अलावा एवलॉन्च इलाकों में होने वाली दुर्घटनाओं के समय रेस्क्यू करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि अगर सैनिक एवलॉन्च में फंसे, मतलब अगर वो हिमस्खलन में फंसे, तो अपना बचाव कर सके। प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं के समय रेस्क्यू के लिए सैनिकों की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद सैनिकों को एवलॉन्च रेस्क्यू टीम ART में शामिल किया जाता है। इस विशेष ट्रेनिंग के दौरान जवानों को न सिर्फ विषम परिस्थितियों के दौरान दुश्मन से लोहा लेने के तरीके बल्कि इन परिस्थितियों में अपना रखरखाव कैसे करना है ये भी सिखाया जाता है। इन सब के लिए विशेष टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना भी सिखाया जाता है। इनमें स्कीज, स्नो शूज, सावल, व्हाइट स्पेशल ड्रेस, वॉकी टॉकी, ऑक्सीजन सिलेंडर और एवलॉन्च सर्वाइवल बॉल जैसे उपकरण भी शामिल होते हैं। हम सल्यूट करते हैं उन सभी सोल्जर्स को जो पूरे लगन, कठिन परिश्रम से हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में ट्रेनिंग लेकर देश के प्रति खुद को समर्पित करते हैं, और उन सभी ट्रेनर्स को जो साल भर कठोर परिस्थितियों में रहकर सैनिकों को ट्रेनिंग देते हैं। और हमें गर्व है भारतीय सेना पे, और हमें गर्व है इस ट्रेनिंग स्कूल पे, क्योंकि ये केवल भारतीय सैनिकों को नहीं अपितु पूरे विश्व के कई देशों को सैनिकों को ट्रेन करके उन्हें इस तरह के एरिया में सर्विस करने के लिए कैपेबल बनाता है, उन्हें इस तरह के एरियाज में ड्यूटी करने के लिए अग्रसर करता है। जय हिंद, जय भारत।